अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हाजिर है आज के किचन में मेरे साथ। मैं आज रेसिपी बनाने लगी हूँ, वो है शिमला मिर्च करी। यानी कि शिमला मिर्च है वो बहुत सी किस्म तरीके से बना सकते हैं, जैसे कि आलू शिमला मिर्च, कीमा शिमला मिर्च, पाकिस्तान में बहुत तरीक़ों से बनाई जाती है। लेकिन मैं आज एक अलग स्टाइल बना रही हूँ जो कि एक इंडियन स्टाइल में है। और ये करी जो है वो मुझे बेहद जो है पसंद है। जो वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी है कि अगर वो कीमा वगैरह यानी गोश्त वगैरह के साथ नहीं खाते तो वो खाली शिमला मिर्च कैसे इन्जॉय कर सकते हैं करी के साथ, यानी शिमला मिर्च का सालन। शिमला मिर्च और प्याज को पहले मैं कर लूँगी थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। इसको हमें ब्राउन बिल्कुल नहीं करना क्योंकि उससे टेस्ट में काफ़ी फर्क पड़ेगा। तो मैं इसको हल्का सा फ्राई कर दूँगी। काफ़ी फ्राई हो गया, अभी मैं इसे अलग कर लूँगी। अभी मैंने थोड़ा सा और जो है ऑयल लिया है, इसको मैंने हल्का सा गर्म होने दिया है। अभी इसमें मैं डालूँगी चॉप हुए प्याज। वन डे की सॉस, वन डे की जीरा, प्याज को ब्राउन नहीं करना जब तक इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए, तो बस पकाना है। और जाएगा उसमें चॉप लहसुन और अदरक। इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक कि लहसुन और अदरक जो है वो खुशबू ना आने शुरू हो जाए। आज आस्ता करते हैं और उसमें हम थोड़े से मसाले डालेंगे। वन टीस्पून नमक, वन टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टीस्पून हल्दी का पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, और 2 टीस्पून जो है आप धनिया का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो सूखा धनिया होता है या जो है साबित है तो मैंने साबित इस्तेमाल किया। और मसाला लगना जाए तो अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। अब
अब 2 से 3 मिनट जो है इन सारों को अच्छे से भुनेंगे। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, मैंने इन सारों को जो है भुना है अच्छी तरह। अब इसमें जाएंगे टमाटर पीसे हुए, तो 2 टमाटर है इनको मैंने पीस लिए। अब इन टमाटरों को जो है मसाले से अच्छे से भूनना है और तब तक पकाना है जब तक ये पूरा फिर मसाला जो है हमारा भून नहीं जाए। स्पेशली बच्चे जो है वो सब्जियाँ वगैरह खाने के बिल्कुल शौकीन नहीं होते, तो अगर उनको जो आप घर में बनाते हैं उस तरीके से नहीं पसंद, तो आप उनको एक गलत तरीके से बना के दें तो शायद उनको वो पसंद है। तो सब्जियाँ जो है वो मैंने अक्सर नोट किया बच्चे नहीं खाते, वो सब्जियाँ हमारे सेहत के लिए बेहद ज़रूरी हैं, तो मैंने एक और अलग वेरिएशन जो है वो आपके साथ शेयर की है। होपफुली आप लोगों के लिए इसमें कोई मदद साबित हो, और फिर मुझे बताइएगा कि वो कैसी लगी। 5 मिनट तक मैंने इसको भुना टमाटरों को, अभी मैं बना रही हूँ योगर्ट, ये है 1/2 कप। अब इसको 10 मिनट तक जो है हमें ढक के पकाना। तो आटा चावल जो है भून चुके हैं, और मैंने इतना ऑयल नहीं डाला था, तो उसकी ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि बहुत सा ऑयल अगर निकले और मैं पता लगे कि मसाला बन गया है। तो उसका ये कि बहुत हल्का हल्का सा जो ऑयल है वो मुझे नज़र आना शुरू हो गया, तो इसका मतलब है कि मेरा मसाला भून गया है। अब मैं फिलहाल में थोड़ी सी क्रीम, ये ऑप्शन है कि अगर आपको इन क्रीम में छोटी चावल डाल सकते हैं। मैं हमारे घर में जो क्रीम है वो सुकान को बेहद पसंद है, तो मैं क्रीम जरूर डालती हूँ। तो अभी डाली क्रीम, तो थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा और उससे जो ग्रेवी का मज़ा है वो और दुबाला हो जाएगा। यहाँ से आस्था कर देंगे, और अभी जो हमने जो है वो शिमला मिर्च और जो प्याज थे वो फ्राई कर रखे हुए थे वो जाएंगे इस ग्रेवी में। इस पर जाएगा 1/2 टीस्पून जो है गरम मसाला, और कसूरी मेथी ये 1 टेबलस्पून भर के। मैंने आँच आस्ता की हुई थी ताकि मैं चीनी डाल सकूँ, अभी मैं इसकी आँच तेज करूँगी और उसको एक दफ़ा से मिक्स करेंगे। अगर आप इसमें जो ग्रेवी है वो ज़्यादा करना चाहते हैं यानी शोरबा और टाइप, तो आप उसमें पानी जो है ज़्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मुझे तो मुझे थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं वो थोड़ा सा, ये थोड़ा सा पानी डाल के बस अब इसको थोड़ा ढकेंगे।
अरे हाँ, ये जो शिमला मिर्ची ग्रेवी है वो बिल्कुल तैयार है। अभी खाना हो चुका है तैयार। इसे आप जो है चावलों के साथ या रोटी के साथ दोनों के साथ खा सकते हैं। तो अभी जो है मैं अपना खाना एंजॉय करती हूँ, तब तक के लिए आप मुझे दें इजाज़त और फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।